पापा जी, आप अपने कमरे में नहीं हैं? गुड। टीना राजेंद्र सिंह, इसका मतलब ये हुआ कि मेरी एक और ननद है जो मेरे ससुर जी ने मुझसे ही छुपाई हुई है, और एक सुशील बहू के नाते मेरा ये फर्ज बनता है कि पहले मैं अपने ससुर जी की सच्चाइयों की जांच और फिर पड़ताल करूं। अब अगर सच्चाई इतनी गहरी होगी तो उसकी गहराई तक तो जाना पड़ेगा ना। माय डियर राज, तुम चंडीगढ़ में पम्मी की शादी के लिए गए हुए हो। तुम्हारा आना लगातार डिले होता जा रहा है, पर मौत की तारीख अब के डिले नहीं हो पाएगी। किसी से कहा नहीं, पर बहुत दिल था जीने का। तुम्हें, टीना को, इस घर को छोड़ने का मन ही नहीं कर रहा। हो सके तो इस घर को कभी मत बेचना। हो सके तो ये घर टीना के नाम कर देना। उसकी माँ उसके साथ ज्यादा नहीं रह पाई, उसके फादर तो पूरी तरह से उसके नहीं है। किसी जमाने में ऐसी ही किसी चीज को ब्रह्मास्त्र कहते होंगे। दिखने में तो ये वैसे लगता नहीं है, पर नुकसान उतना ही पहुंचाएगा। रोहन बेटा, मैं जिंदर अंकल बोल रहा हूँ। नहीं, तबीयत जरा ठीक नहीं लग रही बेटा, चक्कर सी आ रही है, जरा प्लीज आकर देख जाओ। थैंक यू बेटा, थैंक यू। तीतर के दो आगे तीतर, तीतर के दो पीछे तीतर, आगे तीतर, पीछे तीतर, बोलो कितने तीतर? रे मामा रे मामा रे, रे मामा रे मामा रे। हम ना रहेंगे, तुम ना रहोगे,
फिर भी रहेंगी निशानियां। तुम तो मर गई लेकिन जाते जाते मेरा बहुत बड़ा भला कर गई। थैंक्स अ लॉट। लेकिन अभी तुम जहां कहीं भी हो अगर यहां देख सकती हो तो इस घर पर नजर काढ़े रखिएगा, क्योंकि तमाशे तो वैसे इंडिया में होते हैं लेकिन यहां बहुत जल्द ऑपरा होने वाला है, तो जाइएगा मत। ये ठीक रहेगा। सुख, सैम और बहू को बुलाओ, उन्हें बता ही देते हैं। क्या बताना है बाबूजी हमें? अच्छा हुआ बहू तुम यहाँ आ गई, तेरे बाबूजी ने एक फैसला लिया है। कैसा फैसला? बेटा वो पार्टी जो तुम लोग करने जा रहे हो ना, उसमें हम जिंद और तेजी की सिल्वर वेडिंग एनिवर्सरी नहीं बल्कि तुम्हारी शादी की रिसेप्शन देंगे। पर बाबूजी ऐसा तो, बेटा उन दोनों का मन नहीं है वेडिंग एनिवर्सरी मनाने का, तो जबरदस्ती क्यों? जिंद और तेजी ऑड फील कर रहे हैं तो जाने दो, तुम्हारी शादी का रिसेप्शन तो हमने देना ही है ना, उस दिन की पार्टी रिसेप्शन पार्टी होगी। बिल्कुल ठीक बाबूजी, सैम और अनु की रिसेप्शन पार्टी तो बनती है। और अच्छा अनु, तुम भी यहाँ पे सर्कल में इंट्रोड्यूस हो जाओगी। हाँ अनु, अब देखो ना, सैम और हम लोग तो चंडीगढ़ चले जाएंगे और तुम यहाँ अकेली रह जाओगी, तो तुम भी अपना सोशल सर्कल बना सकती हो। इसके सोशल सर्कल के बारे में थोड़ा बहुत तो पता चला है, धीरे धीरे सब पता चल ही जाएगा। बीजी, अंकल कहाँ है? ऊपर कमरे में। मैं जरा मिलकर आता हूँ। थैंक यू दीदी, आप मेरे बारे में कितना सोचती हैं। अब तो मुझे भी आपका उतना ही ख्याल रखना पड़ेगा। किसी ना किसी उधेड़ बुन में तो लगी है, पर क्या? अंकल, दिस इज वेरी सीरियस। ब्लड प्रेशर इतना फ्लक्चुएट करना बहुत डेंजरस हो सकता है। रोहन प्लीज ये बात किसी से मत कहना। अंकल पर बीपी कंट्रोल तो करनी पड़ेगी ना। रोहन तुम परेशान मत हो, जैसे बाकी सारी चीजें कंट्रोल में आ गई हैं, ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल में आ जाएगा। बेटा कई दिनों बाद तो इस घर ने खुशियां देखी हैं, बाबूजी ने मुझे माफ कर दिया है। बेटा बिजनेस को लेके मैंने बड़े बड़े सपने सजाए हैं। सारे सपने धरे रह जाते हैं अगर हेल्थ ठीक ना हो। तो सचमुच मुझे बहुत चिंता हो गई, इतना हाई बीपी जान ले सकता है। ये दवाई मैं आपको दे रहा हूं। अंकल गौर से मेरी बात सुनिए, इसे आपको रात दिन अपने साथ रखनी है। लेकिन मैं दोबारा कह रहा हूं, ये हमेशा आपके पास होनी चाहिए, इतने पास कि अगर कोई इमरजेंसी हो तो आपका हाथ वहां तक पहुंच पाए। तुम तो मुझे डरा रहे हो। हाँ डरने की बात तो है, कभी भी आपको चक्कर सा आए या सर दर्द बढ़ने लगे तो सबसे पहले ये दवाई खाकर तब आप मुझे फोन करिएगा। अंकल आपको मेरी कसम कि ये दवाई आप अपने पास हमेशा रखेंगे। एंड नो टेंशन एंड नो डिप्रेशन, ओके? तुमने मुझे कसम दी है तो तुम्हारी बात माननी ही पड़ेगी। परसों राखी है ना, कुलजीत बुआ की राखी तो पहुंच गई होगी। ठीक, राखी वाले दिन सुबह सुबह आ जाएगी। अच्छा अंकल मैं चलता हूँ। ओके। हाय रोहन। ओ हाय। तुम आ तो रहे हो ना? कहाँ? पार्टी पर। इतना डर क्यों गए? नहीं, मुझे लगा कि तुम लोगों का मुझे राखी बांधने का प्रोग्राम है तो इसलिए मैं घबरा गया। कम ऑन। चलता हूँ। ओके। बाय। बाय। पैरी पहना पापा जी। जिंदरे पुत्र। पापा जी मैं आपसे बहुत नाराज हूँ। क्यों, क्या हुआ?
आप हमें अपनी सिल्वर वेरिंग एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने क्यों नहीं दे रहे? बेटी, तुम बच्चे अपनी वेडिंग रिसेप्शन को सेलिब्रेट करो ना प्लीज। लेकिन पापा जी, आपकी शादी को तो पूरे 25 साल पूरे होते हैं। अनु, जो फैसला हो गया है उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। I'm sorry. हमें पता है ससुर जी कि आप कुछ क्यों नहीं कर सकते। हमें तो ये भी पता है कि कुछ दिनों बाद ना तो रिसेप्शन पार्टी होगी और ना ही एनिवर्सरी की सेलिब्रेशन। हाँ, रक्षाबंधन बड़ी धूम से मनाया जाएगा और उस दिन इस घर की रक्षा करना भगवान। क्या हुआ अनु? सैम, बाऊजी ने तय कर लिया है कि एनिवर्सरी की सेलिब्रेशन नहीं बल्कि हमारी शादी की रिसेप्शन पार्टी ही होगी। अनु, अनु आइडिया तो ये भी बुरा नहीं है। सैम, तुम ही बताओ, एक हस्बैंड और वाइफ के रिश्ते के लिए कौन सी सेलिब्रेशन ज्यादा जरूरी होती है, रिश्ते की शुरुआत या ब्याहता जिंदगी के कामयाब 25 साल? ऑफ कोर्स सिल्वर वेडिंग एनिवर्सरी। एग्जैक्टली, खास करके मम्मी जी और पापा जी जैसे कपल के लिए। कितना प्यार, कितनी अंडरस्टैंडिंग और कितनी ईमानदारी है उन दोनों के रिश्ते में। इस घर के संस्कार देखती हूँ ना सैम, तो मुझे तुम पे और ज्यादा प्यार आ जाता है। तो मुझे कितने पाक और पवित्र घर में लेकर आए हो, इस जमीन पर तो पाप हो ही नहीं सकता। अनु, बोल लेने तो मुझे सैम, इस घर से एक अलग सी खुशबू आती है। बाहर कलयुग चल रहा है लेकिन इस घर में आज भी सत्ययुग है। हाँ अनु, ये घर वाकई मंदिर है। इस घर की बुनियाद में जितनी गहराई और सच्चाई है उतने इसके संस्कार भी गहरे और सच्चे हैं। कमाल की बात तो ये है अनु कि लंदन में हिंदुस्तान बसाया हुआ है। सैम बेटे, अगर तैयार हो तो 2 मिनट के लिए स्टडी में आ जाओगे? नरेंद्र आ गया है, मुझे तुम दोनों से कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है। बस अभी आया पापा। I'll be right back. See you. मेरा पति, मेरा चाबी वाला खिलौना। मुझे पूरा यकीन है ये मर्जर होकर रहेगा और जिस दिन ये मर्जर हुआ मैं सारे स्टाफ की सैलरी 30% से बढ़ा दूंगा। लेकिन उनकी सिर्फ सैलरी नहीं बढ़ेगी, बढ़ेगी उनकी मेहनत, उनके वर्किंग आवर्स। सारे बिजनेस की बागडोर मैं तुम दोनों के हाथ सौंप दूंगा। मेरे सपने हासिल होंगे तुम दोनों के बलबूते पर। हम मेहनत करेंगे बढ़ी हुई सैलरी के लिए नहीं, हम मेहनत करेंगे हमारे बॉस का सपना पूरा करने के लिए। यस, हम मेहनत करेंगे उस नेक और भले इंसान के लिए जिसे हमेशा अपने स्टाफ मेंबर्स की परवाह रहती है, जिसने कभी किसी के साथ नाइंसाफी नहीं की। हम मेहनत करेंगे एक बहुत प्यारे पापा के लिए। आई प्रॉमिस यू डैड, हम आपका यह सपना जरूर पूरा करेंगे। राइट? राइट। अरे भाई, इतनी कंजूसी क्यों दिखा रहे हो? इतनी सोच समझ के लिस्ट क्यों बना रहे हो? मैं तो कहती हूँ जो नाम याद आए लिख डालो। भाई गैदरिंग तो बहुत बढ़िया होनी चाहिए, सब लोगों को पता चले प्रीतम सिंह के पोते की शादी की रिसेप्शन है। दीदी, आप अपनी गेस्ट की लिस्ट क्यों नहीं दे देती? अनु, रिसेप्शन पर कितनी रौनक थी इससे कई ज्यादा मायने रखता है कि रिसेप्शन के बाद जो जिंदगी गुजरेगी उसमें कितनी खुशियां होंगी। तो सैम, मैं तुम्हें अपनी गेस्ट की लंबी चौड़ी लिस्ट देने की बजाय ढेर सारी दुआएं देना पसंद करूंगी। ये हुई ना बात दीदी, अगर आपकी दुआएं मेरे साथ है तो मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। हाँ सैम, तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। दीदी, ऐसा रिसेप्शन होगा कि दुनिया देखती रह जाएगी। अनु बेटा, तुम्हारी अंगूठी। मेरी?
हाँ बेटा, तुम्हें वो जड़ाव का सेट दिया था ना, उसकी मैचिंग की है, नग ढीला था इसलिए ज्वेलर के पास थी। बहुत सुंदर है, अभी पहन लूं? तुम्हारी है, जब जी चाहे पहन लो। थैंक यू। ओके ओके एवरीबॉडी, दिस इज द लास्ट एंड फाइनल कॉल। हां सब लोग याद कर लो, हम लोग किसी को रिसेप्शन में बुलाना भूल तो नहीं रहे हैं। कितना अच्छा होता ना सैम, अगर तुम्हारी लिटिल सिस टीना भी रिसेप्शन पर आ पाती तो। मैं चली सोने। बीजी, आप कभी टीना से मिले हो? नहीं, मैं कभी नहीं मिली। ओके, गुड नाइट। गुड नाइट। जी पापा जी। बेटी राखी की तैयारी हो गई? जी। इस साल तो तू यहाँ है, अगले साल पता नहीं, शायद ससुराल में। अरे तो राखी बंधवाने मैं चंडीगढ़ आ जाऊंगा। पर अच्छा होता ना अगर इस बार राखी वाले दिन टीना भी यहाँ होती। पता है उसकी बहुत विश थी कि वो भी मुझे राखी बांधे, उसका कोई भाई नहीं है ना। सैम, तुम टीना के फादर से तो मिले होगे ना? नहीं मिला। पापा आप? आप कॉफी पियेंगे? नो नो थैंक्स। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट डैड। गुड नाइट। ये टीना का कुछ पता ही नहीं चल रहा, जब से उसकी मदर की डेथ हुई उसकी कोई न्यूज नहीं। मम्मी जी, आपको मेरे पीछे कोई फोन वगैरह आया था टीना का, बताया कुछ के कहाँ रहती है? मेरे से कोई बात नहीं हुई। गुड नाइट। गुड नाइट मम्मी जी। गुड नाइट दीदी। राखी की तैयारियां हो गई पम्मी? तुमने तो कुछ तैयारी की ही होगी, पर मैंने भी की है। कहीं देव को राखी पाने की तैयारी तो नहीं कर ली? मैं रिश्ते जोड़ती नहीं, तोड़ती हूं। वो तो मैं जानती हूं अनु, तुम और कर भी क्या सकती हो। मेरा तुमसे ये वादा है पम्मी कि कल सुबह के सूरज में कुछ ज्यादा ही गर्मी होगी। प्रॉमिस। गुड मॉर्निंग बाबूजी। गुड मॉर्निंग पुत्र जी। गुड मॉर्निंग बीजी। जिंदे रहे पुत्र। मैंने अपने हाथों से बनाई, लेंगे ना? हाँ हाँ पुत्र, जरूर पिएंगे ना। थैंक यू। बहुत दिनों के बाद तो तेरी आवाज खुली है पुत्र। बाबूजी आज की सुबह कुछ ज्यादा ही उछली है। मैंने अपने सर पर जुनून सवार कर लिया है कि हमारे कैंट होटल्स को ऊंचाई पर ले जाना है, बहुत ऊंचाई पर। क्यों दा रहा मेरा पुत्र, दिल खुश करते ही आज। वो जी हमारा सैम कितना मच्योर हो गया है और मेहनती भी, कितनी इज्जत करता है वो मेरी। मैं जल्द ही उसे चंडीगढ़ से वापस बुलाने वाला हूँ। क्यों पुत्र जी? अपने बिजनेस में मैंने एक बहुत बड़ी डील की है जिसका फैसला मेरे हक में हुआ है। अच्छा, उस डील का हमें भी तो पता चले ना पुत्र जी। बताऊंगा बाबूजी, सब बताऊंगा। डील ऑफिशियल हो जाने दीजिए, फिर खुशखबरी दूंगा। चलो हम इंतजार कर लेंगे। कितने दिनों बाद आज अपने जिंदर से मुलाकात हो रही है। बेटा ऐसे ही खुश रहा कर। बाबूजी आपकी दवाई। तेजी, पम्मी और देव कहाँ हैं? वो लोग अपनी टिकट कंफर्म कराने सुबह से ही गए हुए हैं। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। तो 3-4 दिन बाद आने वाली थी। बाऊजी आप सब ने तो मुझे फोन करके बुलाया कि कल रक्षाबंधन है और सैम भैया आ गए।
तूने राखी बांधने आ जाओ, इसलिए आ गई। कहाँ सैम भैया? पर ये फोन आखिर किया किसने? हाँ, कोई फोन क्यों करेगा बेटा? पापा, कॉल प्रॉमिस पापा, मुझे किसी ने फोन किया था। घर में क्या हो रहा है मुझे तो समझ नहीं आ रहा, मिलके सोचो क्या करना है। दीजी फोन कौन कर सकता है? दीजी फोन पे बहस बाद में कर लेंगे, तू जाके देख बहू और सैम ना जा जाए। जिंदर तू बाबूजी के पास जा। जी टीना, इससे पहले तुझे कोई देखे चल अपने रूम में चल। आना टीना, क्योंकि तुम दो चार दिन बाद में आने वाली थी इसलिए हमने बहू और सैम को तुम्हारे बारे में कुछ बताया नहीं, और अब एकदम से बता नहीं सकते कि सैम ये तुम्हारी स्टेप सिस्टर है, तुम्हारे फादर की दूसरी वाइफ की बेटी। टीना, अगर सैम अकेला होता तो बताना मुश्किल नहीं था, पर अब बहू भी साथ में है। बेटा, अब तो सोचना पड़ेगा कि ये बात कैसे बताएं, कब बताएं। तुम समझ रही हो ना? जी 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 जी, मैं समझ रही हूँ। टीना, हम सब लोग सोच रहे थे कि दो चार दिन के लिए तुम अपने मम्मी वाले घर में चली जाओ, हम सब लोग वहाँ आते जाते रहेंगे। बेटा, वैसे भी तुम्हारे पापा वो घर तुम्हारे नाम कर रहे हैं, बस किसी तरह दो चार दिन निकाल दो, रिसेप्शन पार्टी हो जाए तो फिर मौका देकर सैम से हम बात कर लेंगे। ठीक है बीजी, वैसे भी मेरा बैग पहले से ही पैक है, जब आप बोलूंगी मैं चले जाऊंगी। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।